हाय वेलकम टू क्वेश्चन बैंक आज हम अपने प्यारे से लड्डू गोपाल जी के लिए होली पर ठंडाई रखने की मटकियां सजाएंगे एक वीडियो में दो आइडिया यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और इन्हीं आइडियाज़ को फॉलो करके आप भी कुछ इस तरीके से मटकियां सजा सकते हैं और उनमें ठंडाई भर के आप कान्हा जी के पास रख सकते हैं ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने पॉट लिया है मिट्टी का जिसके ऊपर मैं वाइट पेंट का एक कोट लगा रही हूं मैंने पहले के कई वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि जब हम बेस में व्हाइट कलर करते हैं तो इसके ऊपर जब भी आप कोई दूसरे कलर्स अप्लाई करते हैं तो वो बहुत ही खिल के आते हैं यहाँ पे आप कोई भी नया मिट्टी का पॉट ले लीजिएगा जो आपको काना जी के लिए यूज करना हो मैंने दो पॉट यहाँ व्हाइट पेंट से पेंट किए हैं जैसे मैंने आपको बताया कि एक वीडियो में दो आइडिया मैं आपके साथ शेयर करूंगी अब सबसे पहले ये मेरे पास एक डार्क टाइप का ग्रीन है जो बहुत ही अलग विजिबल होता है वीडियो में कैमरा में इसका थोड़ा लुक अलग आता है बट ये रियल में काफी डार्क और जैसे कैमरा में आता है उससे काफी अलग है तो यहाँ पे मैंने पेंसिल से पहले से ही पॉट के ऊपर मोटिफ या पैटर्न जो भी आप बोले वो बना लिए थे और उसके अकॉर्डिंग ही यहां मैं कलर्स लगा रही हूं आप चाहें तो नॉर्मली ब्रश लेके रैंडमली भी कलर्स लगा सकते हैं या फिर पहले पेंसिल से मार्क करिए उसके बाद कलर्स आप इस पर अप्लाई कीजिए ये देखिए मैंने जैसे मार्क किया था पहले मैंने कर्व्स बनाए उस पर फिर हमने टेढ़ी सीधी लाइंस ड्रॉ की और उससे एक अच्छा सा मेरे पास ये पैटर्न वाला लुक आया जिसके हिसाब से मैं पेंट कर रही हूँ ये देखिए अब मैं यहाँ पे रेड पेंट अप्लाई कर रही हूँ ये होली के पर्पज से हम बना रहे हैं कान्हा जी के लिए तो जितना कलरफुल आप इसको बनाना चाहते हैं उतने कलर्स का यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं अब हम अपना फोर्थ कलर यानी कि डार्क ब्लू कलर अप्लाई कर रहे हैं आप चाहे तो इसकी बाउंड्री पहले आप पतले ब्रश से दे लीजिए फिर मोटे ब्रश का यूज करके अंदर आप फिलअप कर सकते हैं कलर को ये देखिए मैं भी यहाँ पे जैसे जैसे मैंने मार्क किया था उस हिसाब से ही कलर लगा रही हूं आपको एकदम प्रॉपरली कलर को अप्लाई करना है कि कहीं पे एक्स्ट्रा कहीं पे एकदम कम ऐसा भी नहीं लगना चाहिए थोड़ा प्रॉपर भी ये देखिए मेजेंटा स्काई ब्लू पैरट ग्रीन कलर्स भी हमने यहाँ अप्लाई कर दिए हैं मैंने जैसे मार्क किया था वैसे ही लगाया है और अब इसका फाइनल मैं यहाँ पे ऑरेंज पेंट से दे रही हूँ जो जो जगह खाली है अब उसमें हम ऑरेंज पेंट यहाँ पे लगा रहे हैं ये जैसे मैंने मार्क किया था तो उसमें कलर्स जैसे भी मैंने लगाए हैं वो बहुत ही अच्छे लगे हैं आप भी कुछ इस तरीके से पहले पेंसिल से मार्क करके उसके बाद ब्रश से कलर लगा सकते हैं अलग अलग और ये देखिए ये हमारा लास्ट वाला पैटर्न है इस पे भी मैं यहाँ ऑरेंज पेंट अप्लाई कर रही हूं इसी के साथ ये हमारा फर्स्ट पॉट तो डेकोरेट होके तैयार हो गया है जैसे आप देख सकते हैं गाइज ये बहुत ही सुंदर लग रहा है इसमें सारे हमने कलर्स यूज किए हैं तो होली के लिए एकदम बेस्ट है इसमें आप जी के लिए ठंडाई भर के रख सकते हैं चलिए फिर अब हम दूसरा पॉट भी डेकोरेट कर लेते हैं दूसरे पॉट के लिए सबसे पहले मैंने रेड कलर चूज किया है जो मैं इसकी बाउंड्री पे लगा रही हूं यहाँ पे अंदर की तरफ प्लस इसकी बाउंड्री हम इसी पेंट का यूज करके देंगे हमारी जो ये पूरी होली की सीरीज थी उसमें बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को लड्डू गोपाल के लिए बनानी सिखाई जैसे कि पोशाक मुकुट बहुत सारे टाइप के कलर प्लेटर्स बैकड्रॉप आइडिया भी शेयर किए हमने और ज्वेलरी और भी बहुत कुछ तो अगर आपने इनके अभी तक कोई वीडियो मिस कर दिया हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी हालांकि अब तो होली काफ़ी पास है आई होप आप सबने अपने काना जी के लिए होली की सारी तैयारियां कर ली होगी मैंने भी काना जी के लिए होली की कैसी तैयारियां की थी वो कल की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था जो भी आपको बहुत पसंद आया मैं उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ आप ज़रूर चेकआउट करें उसको भी अब जैसे आपको वीडियो में शो हो ही रहा है हम कुछ इस तरीके से येलो पेंट का यूज करके एकदम पतले ब्रश से यहाँ पे कर्व्स बना रहे हैं जो अगर आप सीधा करके देखेंगे तो एकदम फ्लावर की तरह लगेगा आपको कि आपने जैसे फ्लावर बनाया हो जैसे देखिए ये एकदम फ्लावर की तरह लग रहा है अब हम इसकी बाउंड्री देने के लिए यहाँ पे ब्लू अक्रेलिक पेंट से डॉट्स बना रहे हैं डॉट्स बनाने के लिए आप ईयरबर्ड यूज कर सकते हैं या फिर कोई भी राउंड चीज यूज कर सकते हैं ब्रश के पीछे वाले पार्ट से भी आप यहाँ पेंट के डॉट्स लगा सकते हैं या फिर डायरेक्टली ब्रश से भी लगा सकते हैं जैसा आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप करिएगा ये देखिए कुछ इस तरीके से पूरे में हमने यहाँ पे बाउंड्री देनी है अच्छे से यहाँ पे मैंने सिर्फ ब्लू से ही पूरे पे बाउंड्री दी है आप चाहें तो हर पैटल पे अलग अलग कलर्स की बाउंड्री दे सकते हैं नीचे की साइड पे अब मैं रेड कलर अप्लाई कर रही करी हूं। जो हमने इसके टॉप वाले बॉर्डर पे लगाया था आपको जितने कलर्स ऐड करने हैं उतने कलर्स आप ऐड कीजिए अब यहाँ पे भी सेम ऊपर हमने ब्लू से डॉट बनाए थे तो इधर भी ब्लू से ही बना रही हूं मैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये जो हमने कान्हा जी के लिए पॉट सजाए हैं सुंदर से ये आपको कैसे लगे और इनमें से कौन सा पॉट आपको ज्यादा सुंदर लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं इसमें आप ठंडाई भर के अपने काना जी के पास रख सकते हैं आई होप आज का ये यूनिक आइडिया आप लोगों तो को पसंद आया होगा वीडियो को लाइक like और शेयर जरूर करें करेंगे अगर आइडिया पसंद आया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें रोजाना इसी तरीके की क्रिएटिव वीडियोज को देखने के लिए तो मैं मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए आइडिया के साथ तब तक के लिए बाय टेक केयर हरे कृष्णा राधे राधे एंड हैप्पी होली इन एडवांस